मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्र और आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी महिला ने, मैरिड महिला ने, शादीशुदा महिला ने आपके ऊपर बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगा रखे हैं तो ऐसी कंडीशन में आप इस मैटर से निकलेंगे कैसे। जब किसी महिला ने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए कह रखा है, आपके ऊपर एलिगेशन लगा रखा है और वो महिला पहले से शादीशुदा है, तो ऐसी कंडीशन में आप उस एफआईआर से निकलेंगे कैसे, कैसे ख़त्म करा पाएंगे आप इस एफआईआर को, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा, ये वीडियो केवल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। आप अपने लीगल एडवाइस के लिए अपने लॉयर साहब से कंसल्ट करें, वो बेटर आपको बताएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ और जो करना भी चाहिए लोगों को। खैर, डिटेल में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जैसे किसी महिला ने आपके ऊपर आरोप लगा रखा हुआ है, जो शादीशुदा है, जिसका ऑलरेडी हस्बैंड है, बच्चे हैं, तलाकशुदा नहीं है और उसका हस्बैंड भी जिंदा है, तो ऐसी कंडीशन में उस महिला ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया है कि आपके द्वारा उसके साथ शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए। क्योंकि एफआईआर में जो भी हम लोग देखते हैं, सबसे कॉमन लाइन पहली यही लिखी होती है कि किसी व्यक्ति ने शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाए। और सबसे खास चीज़ होती है कि मैरिड वीमेन जितनी होती हैं, जो मैरिड महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा अपने से कम उम्र के लड़कों को ही टारगेट किया जाता है। हमेशा इस फेर में जो फंसता है वो कम एज का लड़का फंसता है, जिस पर ये औरतें, मैरिड वीमेन, एलिगेशंस लगाती हैं कि इनके द्वारा उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। क्योंकि इन महिलाओं की पैसे की डिमांड होती है, वो लड़के नासमझ होते हैं, उनकी एज कम होती है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता कि कैसे करना है, उसी झांसे में वो भी फंस जाते हैं और कई कई बार फंस जाते हैं और कई कई बार उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता, लेकिन उनका नाम फर्जी तरीके से इम्प्लीकेट कर दिया जाता है केवल पैसे वसूलने के लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पर किसी महिला ने, शादीशुदा महिला ने आपके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं कि आपने शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, तो पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है इस मैटर में, पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है कि क्या उस महिला ने अपने पति से तलाक ले रखा है। तलाक पेंडिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। जब तक उस महिला का तलाक उसके करंट हस्बैंड से नहीं हो रखा है, तब तक वो किसी और व्यक्ति के साथ शादी जैसे संबंध में, बंधन में नहीं बन सकती है। इसका मतलब ये है कि उस महिला को स्पष्ट क्लियर पता है कि वो किसी और व्यक्ति की पत्नी है। अगर वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शादी करती है तो वो एक अपराध होगा, बाइगैमी एक अपराध है, बहुविवाह एक अपराध है। और उस महिला के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति उसको शादी का झांसा देते हुए शारीरिक संबंध बनाना चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन में जाइए, प्रश्न उठाइए कि क्या वो महिला जिसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है और शादी से उसको बच्चे भी हैं, उसको यह स्पष्ट है कि उसके करंट हस्बैंड से उसका तलाक नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में कैसे उसको कोई झांसा दे सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ज़्यादातर इस कंडीशन में, मैंने जैसा कहा कि बड़े एज की महिलाएं होती हैं और आप लोगों की एज कम होती है, उस कंडीशन में आप ये भी ग्राउंड उठा सकते हैं कि इन महिला की एज बहुत ज़्यादा है और हमारी एज इनसे कम है। कई कई बार मैंने 45 साल 50 साल तक की औरतों को देखा है कि उनके द्वारा रेप के एलिगेशन किसी व्यक्ति के ऊपर लगाए गए हैं और लड़के 22 साल 23 साल उम्र उनकी रह रही होती जिनके ऊपर इस तरीके के आरोप लग रहे होते हैं। तो आप समझ लीजिए, दूसरी कंडीशन ये है कि शादीशुदा महिला को आखिरकार झांसा दिया कैसे जा सकता है जब उसको स्पष्ट तौर पे पता है कि पति कोई और है, तलाक हुआ नहीं है, तो शादी का झांसा कैसे होगा। अब इस तरीके के एफआईआर मान लीजिए आपके ऊपर आ गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, डरने का नहीं है। अगर मान लो किसी भी तरीके से इनके और आपके बीच में संबंध बने हैं, जहाँ पर इन्होंने शादी की बात कही है, तो स्पष्ट ये क्लियर है कि आप और इनके बीच में किसी प्रकार का शादी का वादा नहीं था, और अगर वादा था भी तो वो पूरा नहीं हो सकता था, केवल इन्होंने अपनी सेक्सुअल नीड फुलफिल करने के लिए आपका इस्तेमाल करा। अब सेक्सुअल नीड फुलफिल हो रही थी, पैसे ले रही थी, अब पैसे देने आपने बंद कर दिए, आपको लगा भी टॉर्चर हो रहा है, पैसे देने आपने बंद कर दिए, तो उन्होंने आपके ऊपर एफआईआर लॉन्च करा दी। अब बचेंगे कैसे, बचेंगे आप ऐसे, आप इमीडिएटली एफआईआर क्वेश्चनिंग में जाइए और ये कोर्ट को बताइए कि ये महिला शादीशुदा है, इसके ऑलरेडी बच्चे हैं, इसका हस्बैंड है जिससे इसका तलाक नहीं हो रखा हुआ, तो ये कैसे कह सकती है कि इसको मैं शादी का झांसा दे रहा हूँ। मान लिया मैंने आपको कि आप शादी का झांसा इसको एक बार को दे भी रहे थे, आपके ऊपर एलिगेशन लगा है, आप एक बार को इसको शादी का झांसा दे भी रहे थे, ये मान लिया जाए, लेकिन क्या वो महिला मूर्ख है
उसको ये नहीं पता है कि उसके पुराने पति से, उसके करंट हस्बैंड से उसका तलाक नहीं हो रखा है, उसकी शादी किसी और व्यक्ति से लीगली नहीं हो सकती है, तो आखिरकार उसको झांसा कैसे दिया जा सकता है? वो झांसा नहीं देना है आपको, झांसे में डालना है आपको, फंसाना है, आपसे पैसे वसूलने हैं। और जो भी आपके बीच में लेन देन इनके साथ हुए हो, पैसे की जो भी आपकी और इनकी हिस्ट्री हो, उस हिस्ट्री का भी इस्तेमाल करते हुए आप बच सकते हैं, उससे निकल सकते हैं, आप अपनी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई फॉल्स FIR आपके अगेंस्ट आए, शादी का झांसा देते हुए बलात्कार करने की, अगर कोई शादीशुदा महिला एलिगेशन लगाए, तो इमीडिएटली FIR क्वेश्चन में जाना है। 5 मिनट भी देर मत लगाना, वरना पुलिस धर लेगी, गिरफ्तार करके जेल चली जाएगी, और थाने तो बिल्कुल नहीं जाना है, ये ध्यान रखिएगा।